और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हमें मिल रही है, जहां पर तालाब नाला पर ड्रोन के माध्यम से छिड़काव किया गया है, जिससे डेंगू मच्छर लार्वा ना पनप सके। इसके साथ ही शहर के कई इलाकों पर जहां मैन्युअली छिड़काव नहीं हो पाता है, वहां भी छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। तो खुले नाले, तालाब पर, खुले प्लॉट्स पर ड्रोन के जरिए छिड़काव किया जाए, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक नई कोशिश ताकि डेंगू मच्छर लार्वा ना पनप सके, बीमारियों से बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से नई मुहिम चलाई गई है, और ड्रोन के जरिए यहां पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है। तो एडीसी पवन सिंह, डीसी लाला राम कोहली, संतोष गुप्ता, एचओ भी इस दौरान मौजूद रहे, और उनकी मौजूदगी में ही ये छिड़काव किया जा रहा है। शहर के कई इलाकों में मैन्युअली छिड़काव नहीं हो पाता, लेकिन ड्रोन के जरिए दवाई का छिड़काव तालाब और नालों पर किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन डेंगू मच्छर लार्वा ना पनप सके, बीमारियों से बचाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई। विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए हैं। वैभव जी, ये तस्वीरें देखकर तो ये शायद कहा जा सकता है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, देर से जाकर प्रशासन, लेकिन कम से कम नींद तो खुली, और बीमारियों को लेकर, डेंगू को लेकर एक अलर्ट तो जारी किया गया है, ड्रोन के जरिए छिड़काव किया जा रहा है दवाइयों का। बिल्कुल जया, डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग ने उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, और मुख्यमंत्री कमलनाथ तक अभी बात पहुंच चुकी है कि मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य महकमा है वो अपना काम संवेदनशील तरीके से नहीं कर रहा। यही कारण है कि चाहे राजधानी की बात की जाए, चाहे राज्य के दूसरे शहरों की बात की जाए, वहां जो डेंगू के मरीज हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा सर्वे के लिए कोई टीम भी तैनात की गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो टीमें हैं उन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भोपाल में ही 85 वार्ड के हिसाब से हर वार्ड पर दो टीमों का गठन किया जाना था, लेकिन एक भी टीम का गठन नहीं किया, केवल 42 टीमों का गठन किया गया था। तो ऐसे में नगर निगम का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा ड्रोन की मदद ली गई है। जो तालाब होते हैं, चलेंगे तालाब की बात की जाए, इसके साथ ही जो ऐसी जगह है जहां पर जो फॉगिंग मशीन नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जो नगर निगम के कर्मचारी, उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि हम फॉगिंग करने के लिए हर स्थान पर नहीं पहुंच सकते, कई तालाब बड़े होते हैं, तो और बड़े तालाब के बीच में अगर किसी तरह से डेंगू का लार्वा पनप रहा है तो हम उसके ऊपर किस तरह से फॉगिंग करें। तो नगर निगम का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा ड्रोन की मदद ली गई, और ड्रोन की मदद से पहले तो उसमें जो दवाई होती है उसको फिल किया गया, दवाई के माध्यम से उस पर पूरा छिड़काव किया गया ड्रोन के माध्यम, ताकि जो तालाब होते हैं जहां पर आदमी नहीं पहुंच सकते तो मशीनी मदद लेकर उसके लार्वा को नष्ट किया गया। और जो स्वास्थ्य अधिकारी उनसे फिर बात भी की नादी टीवी ने, तो उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल के जितने भी तालाब हैं जहां पर हमको सूचना मिल रही है कि डेंगू का लार्वा पनप रहा है, तो उसको नष्ट करने के लिए हम ड्रोन की मदद लेंगे, और जनता को राहत मिले उसको लेकर हम हर तरह के कदम उठाते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वैभव जी जानकारी देने के लिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और जिस तरह से डेंगू के मरीज लगातार भोपाल में बढ़ते जा रहे थे, प्रकोप जिसका लगातार जारी था, हालांकि कोशिशें की जा रही थी लेकिन वो कोशिशें ना काफी नजर आ रही थी, और अब एक नई पहल, ड्रोन के जरिए दवाओं का छिड़काव अब किया जा रहा है।